नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको ट्रेन में विविध में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, विविध का आपको एक पार्ट पढ़ा चुके हैं, उसका जस्ट नेक्स्ट अगला पार्ट है दोस्तों साथी। अगर ये वाला वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों साथी देखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक ट्रेन की औसत गति एक ट्रैक्टर की औसत गति से 4 से ही 1/3 गुना है। 15 घंटे में ट्रैक्टर 270 किलोमीटर जाता है तो 12 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है PNB 2011 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, पहले ट्रेन है तो आप ट्रेन को लिख दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रेन हो गया दोस्तों साथी। और ट्रैक्टर बाद में है तो ट्रैक्टर को बाद में लिख दीजिए ट्रैक्टर। अब देखिए दोस्तों, 4 से ही 1/3 गुना तेज है, इसका मतलब ट्रेन तेज है, ट्रेन की चाल तेज है और ट्रैक्टर की चाल कम है। तो 4 3 12 1 13, इसका मतलब अगर ट्रेन की चाल 13 थी तो ट्रैक्टर की चाल 4 थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, 4 3 सॉरी 3 होगी, यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, तो 3 थी, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अगर ट्रेन की चाल 13 थी तो ट्रैक्टर की चाल 3 हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर जो है वो 15 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो ट्रैक्टर जो है दोस्तों साथी, ट्रैक्टर जो है दोस्तों, ये 15 घंटे में दोस्तों साथी, 15 घंटे का टाइम लेता है तो दूरी कवर करता है 270 किलोमीटर की। तो बताइए दोस्तों, अगर ट्रैक्टर 1 घंटे दूरी तय करेगा तब कितना किलोमीटर जाएगा। तो 15 किस में भाग लगा देंगे, तो 15 × 15 आपका बचेगा 2 और 1 120 हो जाएगा, 15 × 8 120, इसका मतलब 18 किलोमीटर की दूरी जाए करेगा। तो अगर ट्रैक्टर 1 घंटे चलता है तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्त इतना बात आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा किसी कार की चाल है। अब देखिए दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या कहता है, अगर कार 1 घंटा चलेगा दोस्तों, 1 घंटा चलेगा तो 40 किलोमीटर की दूरी जाएगी। इसका मतलब है ट्रैक्टर अगर 1 घंटा चलता था 18 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो ट्रैक्टर की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रैक्टर की चाल हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए दोस्तों, 3 में किसका गुणा कर दें, 18 आ जाए, तो 3 में अगर 6 का गुणा करेंगे दोस्तों साथी तब 18 बनेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 3 में 6 का गुणा किया तो 18 बना है, तो 13 में 6 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा। इसका मतलब 78 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी चाल थी दोस्तों, तो ट्रेन की चाल थी। ट्रेन 1 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो सवाल में पूछा गया है तो ट्रेन 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ट्रेन द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी, तो ट्रेन द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल गुणे समय। चाल आपका क्या मिला है दोस्तों, 78 मिला, और समय क्या मिला है दोस्तों, तो 12 मिला है। अब देखिए दोस्तों, 12 में अगर 8 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 12 × 96 आपका करी आ जाएगा 9, और 12 × 7 = 84 और 9 ऐड कर देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 93 मिल जाएगा। इसका मतलब 936 किलोमीटर की दूरी ट्रेन 12 घंटे में तय करेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर D। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी एक स्थान X से 7 बजे चलना आरंभ करती है तथा दूसरे स्थान Y पर उसी दिन 1 बजे पहुँचती है। यदि रेलगाड़ी की गति 15 मीटर/सेकेंड है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CSL 2018 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, ये स्थान X हो गया दोस्तों, ये स्थान X हो गया और ये स्थान Y हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्थान X से कोई रेलगाड़ी चलती है, मान लीजिए दोस्तों ये रेलगाड़ी है दोस्तों, ये स्थान X से चलती है 7 बजे, इसका मतलब यहाँ से चलती है दोस्तों 7 बजे और यहाँ पे पहुँच जाती है वाई वाले स्थान पे पहुँचती है 1 बजे, यहाँ पे पहुँच जाती है दोस्तों 1 बजे पहुँच जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की जो चाल दिया गया है 15 मीटर/सेकेंड दिया गया है, 15 मीटर/सेकेंड ये चाल दिया गया है दोस्तों। दूरी पूछा जा रहा है कि X से Y के बीच की दूरी आपको बताना है, ये कितने किलोमीटर की दूरी है आपको यही फाइंड करना है दोस्तों सवाल के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अगर 7 बजे से 1 बजे तक जाएंगे तो टाइम कितना मिलेगा, टी का मान कितना मिलेगा, तो 7 में 5 ऐड कर देंगे, 12 5 घंटा हो गया, और 1 बजे 1 घंटा और ऐड कर देंगे,
तो 6 घंटा टी का मान मिल गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या दिया गया है दोस्तों, 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, ये मीटर पर सेकेंड में है, ऑप्शन किलोमीटर में है। तो छोटे से हमको बड़े पैमाने में जाना है, तो बड़े वाले नंबर के ऊपर, छोटे वाले नंबर के ऊपर नीचे। तो चाल हो गया दोस्तों दूरी, दूरी क्या है दोस्तों, डी बटे समय कितना है, 6 घंटा। तो 6, अब आपको काटपीट के आंसर निकालना है। देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो 5 3 15, इधर जाके गुणा होगा तो 6 3 18, 18 में 18 का गुणा करेंगे, इसका मतलब 18 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो 324। इसका मतलब 324 किलोमीटर की दूरी थी। तो एक्स, स्थान एक्स से स्थान वाई तक के बीच की दूरी क्या थी दोस्तों, तो स्थान एक्स से स्थान वाई के बीच की दूरी 324 किलोमीटर थी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक स्थान पी से प्रातः 10 बजे चलना आरम्भ करती है तथा अन्य स्थान क्यू पर उसी दिन 5:30 बजे पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए SSC CSL 2018 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये स्थान पी है दोस्तों साथी, ये स्थान पी हो गया दोस्तों, और ये स्थान क्यू हो गया दोस्तों, ये स्थान क्यू हो गया दोस्तों साथी। यहाँ से मान लीजिए ये रेलगाड़ी है दोस्तों, ये रेलगाड़ी यहाँ से चलती है 10 बजे, ये 10 बजे चलती है दोस्तों साथी, और पहुंचती है 5:30 बजे। इसका मतलब 5:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाती है। अब देखिए दोस्तों, जब ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक चलती है तो कितना टाइम लिया है, तो पहले टाइम निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर 10 से 12 जाएंगे तो 2 घंटा हो जाएगा, और 12 से 5:30 जाएंगे तो 5.5 घंटा ही हो गया दोस्तों, तो टोटल कितना हो गया, 7.5 घंटा। इसका मतलब टाइम क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7.5 घंटा, 7.5 घंटा टी का मान मिल गया दोस्तों। ट्रेन की चाल क्या दिया गया है दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बी का मान दिया गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आप डायरेक्ट दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल गुणे समय। तो चाल क्या दिया गया है दोस्तों, 50 दिया गया है, समय कितना है, 7.5 है। अब देखिए दोस्तों, एक अंक पे दशमलव है, अगर ये 0 गायब काटेंगे तो ये दशमलव कट के ख़त्म हो जाएगा। अब 5 का गुणा कर देंगे तो 25, और 5 7 35, 237, तो 375 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों साथी, स्थान पी से क्यू तक की दूरी क्या है दोस्तों, तो 375 किलोमीटर की दूरी है। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछे गए SSC 2006 में। अब देखिए दोस्तों, हम आपको, अगर आप पार्ट से लेकर लास्ट पास तक हमारी कोई भी चैप्टर का वीडियो देखेंगे दोस्तों साथी, तो हम हर एक टाइप्स की वीडियो, हर एक टाइप्स के क्वेश्चन करा देते हैं दोस्तों साथी वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वीडियो यहां तक देख लिए हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, मान लीजिए दोस्तों ये कोई रेलगाड़ी है दोस्तों साथी, ये कोई रेलगाड़ी है दोस्तों। अब ये जो रेलगाड़ी है ये पहले वाले व्यक्ति को पार करती है, ये पहले वाले व्यक्ति को पार करती है कितने सेकंड में दोस्तों, 10 सेकंड में। इसका मतलब T1 का मान दे दिया गया है दोस्तों 10 सेकंड। और ये कोई दूसरा व्यक्ति है दोस्तों साथी, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पार करती है 11 सेकंड में। T2 का मान दिया गया दोस्तों 11 सेकंड में। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों अगर व्यक्ति इधर चल रहा है तो रेलगाड़ी भी इधर चल रही है, तो ये वाला भी व्यक्ति इधर कर रहा चल रहा है, क्योंकि उसी दिशा में, दिशा समान है दोस्तों साथी। इस व्यक्ति की चाल क्या दिया गया है दोस्तों, पहले वाले व्यक्ति की चाल दिया गया है, मान लीजिए ट्रेन की चाल B1 है और इसकी चाल B2 है, तो इसकी चाल दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल दिया गया, मान लीजिए B3 है, इसकी चाल दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, जब ये वाली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तब क्या होगा दोस्तों, तो चाल बराबर, इसका मतलब दिशा समान है, तो चाल को घटा देंगे तो B1 माइनस B2, तो B2 का मान 3 है, 3 इक्वल ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, तो L बटे टाइम कितना है दोस्तों, 10 है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों। इसी तरह से जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तब क्या होगा दोस्तों, B1 माइनस 5
और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल बटे टाइम कितना है 11 सेकेंड है, तो 11। ये क्वेश्चन नंबर दो हो गया दोस्तों। अब इक्वेशन एक और दो को भाग करने पर, इसका मतलब इक्वेशन एक में दो का भाग लगाने पर या भाग करने पर, तो देखिए दोस्तों जब भाग करेंगे तो इसके बाद क्या क्या आएगा दोस्तों, तो बी वन माइनस थ्री और इधर आ जाएगा एल बटे टेन, और इधर भाग लगाएंगे तो बी वन माइनस फाइव और बटे इधर आ जाएगा दोस्तों एल बटे इलेवन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों एल से एल कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों साथ ही, और देखिए दोस्तों ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है तो इसके साथ आ जाएगा। एक बार लाइन बढ़ा देते हैं दोस्तों, बी वन माइनस तीन बटे बी वन माइनस पाँच इधर आ जाएगा इलेवन बटे टेन आ जाएगा दोस्तों। अब क्रॉस गुणा दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो जब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो दस बी वन और माइनस तीस हो जाएगा दोस्तों। इधर गुणा कर देंगे दोस्तों इसका तो 11b और माइनस 55 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों b भी एक तरफ और नंबर नंबर एक तरफ, अगर ये 10b देखिए दोस्तों इधर प्लस इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11b में से अगर 10b को घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, b बचेगा दोस्तों साथ ही, या b1 है तो b1 बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये वाला नंबर इधर लाए तो ये वाला अगर नंबर अगर इधर लाएंगे तो ये अगर ये 55 ये जो माइनस 55 है ये माइनस है, अगर इक्वल की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 55 से 30 घटा देना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, तो ट्रेन की चाल थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे मेथड वन से सवाल नहीं लगा पाते हैं तो देखिए दोस्तों आपको मेथड टू बता रहे हैं दूसरे वाले तरीके से आप सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों मेथड टू क्या है दोस्तों, बी वन और माइनस चाल कितना दिया गया है दोस्तों, तीन दिए गए तीन बटे बी टू, दूसरी की चाल क्या है दोस्तों, पाँच है तो पाँच। आपको देखिए दोस्तों पीछे पढ़ा चुके हैं चाल और समय में विलोम अनुपात होता है। टी वन का मान क्या है दोस्तों, तो टी वन संबंधे अगर हम टी टू निकालते हैं तो आपको आएगा 10 संबंधे 11 आ जाएगा। इसका मतलब बी वन संबंधे अगर हम बी टू निकालेंगे तो 11 संबंधे 10 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों बी वन के इधर 11 आ जाएगा दोस्तों और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10b माइनस 30 और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इधर आपका आ जाता है 11b और माइनस 55। अब सॉल्व करेंगे तो b का मान निकालेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, ट्रेन की चाल थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए मेथड टू बहुत ही अच्छा तरीका दोस्तों साथी। अगर आप सीख पाते हैं तो मेथड टू से सवाल को लगाइए, अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो मेथड वन से सवाल को लगाइए। आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उसी तरीके से सवाल लगाइए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन दो लोगों के पास से गुजरती है जो ट्रेन की गति की ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं, उन्हें क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए एसएससी 2012 में और यूपीएससी 2017 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, मान लीजिए दोस्तों ये कोई ट्रेन है दोस्तों साथी, ये कोई ट्रेन है दोस्तों, ये कोई ट्रेन है, ये पहले वाले व्यक्ति को पार कर देती है दोस्तों, इस वाले व्यक्ति को पार करती है दोस्तों 9 सेकंड में। इसका मतलब टी वन का मान क्या दिया गया दोस्तों, 9 सेकंड, तो 9 सेकंड हो गया दोस्तों। और ये दूसरे वाले व्यक्ति को पार करती है दोस्तों, दूसरे वाले व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में। टी टू का मान क्या दिया गया दोस्तों, 10 सेकंड दिया गया, 10 सेकंड हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस वाले व्यक्ति की चाल, मान लीजिए ट्रेन की चाल बी वन है दोस्तों, इसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, बी टू का मान दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों बी टू का मान। और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल बी थ्री मान लीजिए दोस्तों, इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको दो दो तरीका बताए हैं, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है उसी तरीके से आप सवाल लगा लें। तो हम देखिए दोस्तों इस सवाल को अगर आपको मैट्रिक टू से लगा के बताएं दूसरे वाले तरीके से, तो दिशा समान है, व्यक्ति इधर चल रहा है तो ट्रेन भी इधर चल रहा है, तो दिशा समान है, चालों को घटा देंगे। इसका मतलब बी वन माइनस दो है दो, अब बटे क्योंकि दोनों इक्वेशन का भाग लगाएंगे तो बी वन और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको पता है चाल समय में विलोमानुपात होता है, इसका मतलब टी वन संबंधे अगर हम टी टू निकालेंगे तो 9 संबंधे
10 आ जाएगा। तो बी वन संबंधी अगर बी टू निकालेंगे तो 10 संबंधी क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो जब गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9 बी वन माइनस 18, और इधर गुणा करेंगे दोस्तों 10 बी वन और माइनस 40। अब देखिए दोस्तों, ये वाला 9 बी वन अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब बी, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 40 में से 18 को घटा देंगे तो बचेगा 22। इसका मतलब ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन सवाल के अंदर ट्रेन की चाल नहीं पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई पूछा गया है दोस्तों साथी। तो लंबाई निकालने के लिए क्या काम करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब जब ये वाली ट्रेन, जो ये वाली ट्रेन है, इस व्यक्ति को पार करेगी तो दूर तो चाल बराबर होगा क्या, चाल क्या होगा दोस्तों, बिरेलिटी लगा देंगे। इसका मतलब 22 माइनस 2, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति को पार कर रही चाल हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन मीटर में रखा गया, ये किलोमीटर में है तो छोटे पैमाने में जाना है, 5/18 कर लेंगे दोस्तों, ये चाल हो गया दोस्तों। दूरी क्या बनेगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई दूरी बनेगी बट्टे समय कितना लेती है दोस्तों, पहले वाले व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लेती है, तो 9, तो इससे ये काट देंगे, 9 × 2 = 18। अब देखिए दोस्तों, 22 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 2 से 20 को काटेंगे 10, इसका गुणा कर देंगे 50, तो एल का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 50 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या थी दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई थी 50 मीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं सवाल समझ पाए हैं मेथड टू से, तो आप मेथड टू का प्रयोग कर लें दोस्तों। मेथड टू क्या होगा दोस्तों, बी वन माइनस 2 और इधर एल बटे 9 आ जाएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर एक समझ लीजिए। इसी तरह से बी वन माइनस दूसरे का चाल 4, इधर एल बटे 10 है तो 10, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए दोस्तों। अब इक्वेशन 1 और 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों, तो यहाँ से बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही मान चाहे इक्वेशन 1 या 2 में रख के दूरी निकाल लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इस सवाल को या तो आप मेथड 1 या तो आप मेथड 2 से लगा लेंगे। और देखिए दोस्तों, आपको जो तरीका बेस्ट लगता है उसी तरीके से सवाल लगाएं, बस अब टाइम को थोड़ा ध्यान रखें कि एग्जाम हाल में आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है दोस्तों, तो सवाल जिस तरीके से अधिक जल्दी लगे उस तरीक़ों को अप्लाई करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे तरीक़ों को अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड में पार करती है। पहले व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूसरे व्यक्ति की चाल 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए RRB 2018 में। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन होता है पहले आप एक बार खुद वीडियो को रोक कर खुद लगाने का कोशिश करें दोस्तों, उसके बाद उसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, आपको देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए दो दो तरीके बताए हैं, तो हम आपको मेथड टू से बता देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन की चाल मान लीजिए, ट्रेन की चाल बी थी, तो ट्रेन की चाल मान लीजिए बी थी दोस्तों, तो दिशा एक ही है, इसका मतलब चालों को घटा देंगे तो पहले वाले व्यक्ति की चाल कितना है दोस्तों, तो पहले वाले व्यक्ति की चाल है दोस्तों साथी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब बी माइनस 4.5 इक्वल। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से ये पहला चाल हो गया दोस्तों, बट ये दूसरा चाल निकालेंगे तो क्या बने मिलेगा दोस्तों, बी माइनस दूसरा चाल है, दूसरी की चाल है 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, T1 संबंधी अगर हम T2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, T1 का मान आपको 6 मिलेगा और T2 का मान 6.4। अब देखिए दोस्तों, एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव को गायब करने के लिए 10 का गुणा करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा और इधर 64 आ जाएगा दोस्तों। अब अगर हम काट देते हैं 4 से, तो 15 बार में और 16 बार में। अब देखिए दोस्तों, अगर B1 संबंधी अगर B2 निकालते हैं तो 16 संबंधी 15 मिल जाएगा, इसका मतलब 16 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करके बी का मान निकालना है, तो ट्रेन की चाल निकल जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 15 बी और माइनस इधर 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 75 होगा दोस्तों, 75, 15 × 4 = 60 और 7 ऐड कर देंगे तो 67 इक्वल, इधर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे तो 16 बी माइनस इसका कर देंगे तो 16 × 3 = 48 और 16 × 6 = 96 और 4 ऐड कर देंगे तो 100, इतना आ जाएगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव यहाँ लगा देंगे दोस्तों, और यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 15 भी अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 16 भी में से 15 भी घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, बी बचेगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला नंबर माइनस है, इक्वल को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर 8 में से 5 घटा देंगे 3.3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 10, 3 और 6, 3, 9, इसका मतलब 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल थी दोस्तों, तो 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करते हैं। यदि धीमी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तेज रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, अगर आप हर एक टाइप्स के क्वेश्चन पे पकड़ रखेंगे दोस्तों साथी, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट होगा दोस्तों। तो आप हर एक टाइप्स के सवाल सीखने के लिए कोशिश करें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये पहली रेलगाड़ी है दोस्तों साथी, ये पहली रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है दोस्तों, ये दूसरी रेलगाड़ी है दोस्तों साथी, ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई दोस्तों, ये पहली रेलगाड़ी है दोस्तों और ये दूसरी रेलगाड़ी है। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं, इसका मतलब T1 का मान क्या हो गया दोस्तों, 24 सेकंड हो गया, 24 सेकंड। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी है तो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या दिया गया, B2 का मान, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो 90 ले लेते हैं दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, जब ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार करेगी तो एक ही दिशा में चलेंगे तो दिशा समान है तो भी रिलेटिव लगा देंगे, इसकी चाल मान लीजिए दोस्तों बी है, तो बी माइनस 90 इधर क्या होगा दोस्तों, दूरी, इसका मतलब इस ट्रेन की लंबाई अगर L1 है, इस ट्रेन की लंबाई L2 है, तो दूरी क्या बनेगा दोस्तों, L1 प्लस L2 बटे टाइम कितना है, 24 सेकेंड है, तो बटे 24 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 24 इधर आके गुणा हो जाएगा, इसका मतलब बी माइनस 90 और इधर 24 और इधर क्या आएगा दोस्तों, L1 प्लस L2 आ जाएगा दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर एक हो गया दोस्तों, समीकरण नंबर एक हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगला कंडीशन कह रहा है, जब ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलें, इसका मतलब ये वाली रेलगाड़ी इधर तो आ रही है लेकिन ये वाली रेलगाड़ी इधर जाने लगी है, अब दिशा विपरीत हो गया, तो जब दिशा विपरीत हो जाएगा तब भी रिलेटिव लगाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो विपरीत दिशा में टाइम दिया गया 6 सेकेंड, इसका मतलब T2 का मान क्या है दोस्तों, 6 सेकेंड, तो 6, इसका मतलब अब चाल को जोड़ देंगे तो B1 प्लस 90 और इधर क्या आएगा दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई L1 प्लस L2 बटे टाइम कितना है दोस्तों, 6 सेकेंड है, तो 6। अब देखिए दोस्तों, फिर ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो B1 प्लस 90 और इधर आपका मल्टीप्लिकेशन 6 बराबर L1 प्लस L2 आ जाएगा दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में L1 और L2 का मान रखने पर, तो जब इक्वेशन नंबर 1 में L1 और L2 का मान रखेंगे तो ये ले जाके यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, इसका मतलब मान रखेंगे तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों साथी, तो बी 90 और मल्टीप्लिकेशन 24 और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, B1 प्लस 90 और मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा 6। अब देखिए दोस्तों, इससे ये काट देंगे तो 6 चौक 4 बार में कट जाएगा दोस्तों, इसका गुणा कर लेंगे तो 4B माइनस 3 9 चौक 36 बराबर B प्लस 90। अब देखिए दोस्तों, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 4B में से B को घटा देंगे तो 3B, तो 3B और ये माइनस इक्वल की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसमें इसको जोड़ देंगे तो 0 और 5 और 450, इससे काट देंगे दोस्तों तो बी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल, तेज वाले ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, तो तेज वाले ट्रेन की चाल थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप MATLAB 1 से सवाल नहीं लगाने योग्य होते हैं या नहीं लगा पाते हैं दोस्तों, आपको दिक्कत होता है, तो आप MATLAB 2 का प्रयोग करें दोस्तों साथी। MATLAB 2 बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, लेकिन आपको आना चाहिए। MATLAB 2 क्या है दोस्तों, फास्ट ट्रेन बटे स्लो ट्रेन बराबर होता है दोस्तों T1 प्लस T2
बटे टी वन माइनस टी टू, यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों साथी। तो फास्ट ट्रेन की चाल बटे स्लो ट्रेन की चाल और इक्वल टाइम टी वन प्लस टी टू बटे टी वन माइनस टी टू। अब देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रेन की चाल हमको पूछा जा रहा है, चाल पूछा जा रहा है, इसका मतलब फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन की चाल दिया गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 रख देते हैं दोस्तों साथी। टी वन का मान आपको देखिए 24 दिया गया और टी टू का मान 6 दिया गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 30 मिल जाएगा 30। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे दोस्तों, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इससे ये काट देते हैं तो 18 × 95 ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो फास्ट ट्रेन की चाल क्या मिल जाएगी दोस्तों, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फास्ट ट्रेन की चाल सवाल के अंदर पूछा गया है, तो फास्ट ट्रेन की चाल थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। यदि तेज रेलगाड़ी की चाल 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धीमी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल देखिए दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम हाल में हर एक टाइप्स के सवाल आने चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको दो दो तरीके बताए हैं दोस्तों साथी, आपको जो बेस्ट तरीका लगता है उसी तरीके से आप सवाल को लगा लें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम आपको मेथड टू से बता देते हैं, बी फास्ट बटे बी स्लो इक्वल टी वन प्लस टी टू बाई टी वन माइनस टी टू, ये आपको उम्मीद है दोस्तों साथी अब आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रेन की चाल क्या है, 105 किलोमीटर प्रति घंटा 105, और बी स्लो ट्रेन की चाल पूछा जा रहा है दोस्तों। अब टी वन का मान देखिए दोस्तों 48 है और टी टू का मान 12 है, इसका मतलब 48 में 12 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब 48 में से 12 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 12 से काट देंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36, इससे ये काट देंगे दोस्तों तो 21, इसका गुणा कर देंगे तो 20 लो का मान, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 20 लो का मान कितना जाएगा दोस्तों, 63। इसका मतलब धीमी वाली ट्रेन की चाल कितना था दोस्तों, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू यहाँ तक देखे हैं, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आपके आसपास पढ़ने वाली ग्रुप है तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए आप सब एडवाइस करें दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जल्दी से अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों साथी। तो थैंक यू दोस्तों।